बरियारपुर कल्याणपुर घोरघट सुल्तानगंज रेलवे ट्रैक के दक्षिण साइड चौर करारी खेत में लगभग 500 एकड़ में मूंग की खेती ट्रायल की गई है यहाँ के किसानों के द्वारा। ट्रायल तो पास है लेकिन क्या करेगा, मौसम साथ नहीं दे रहा है। बारिश हो जाता समय पर तो पूरा ये जो जमीन खाली देख रहे हैं ना, खाली देखने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ ऐसा पौधा मिलता खेत में फल देते हुए। इस एरिया में 40 वर्ष के बाद किसान कुछ तरक्की की ओर लौटा है। बरियारपुर कल्याणपुर घोड़घाट सुल्तानगंज के बीच में इस तरह की खेती मूंगों की नहीं होती थी, लेकिन इस बार मूंग बाग किया गया है किसानों के द्वारा। दुर्भाग्य की बात है कि इस बार मौसम साथ नहीं दिया, इस एरिया में पानी नहीं आता है। मेन जड़ है सिंचाई करने का, सिंचाई खड़गपुर झील मनी नदी से होती है, वो भी मनी नदी का पानी सूख गया है। यहाँ तक कि खड़गपुर झील में भी कुछ पानी नहीं है। यहाँ जो कहेगा कि स्टेट बोरिंग होता है, स्टेट बोरिंग भी नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है। ये देखिए एक स्टेट बोरिंग बना हुआ है, उससे सिंचाई नहीं होता है। यहाँ की मिट्टी में जितनी गुणवत्ता है शायद किसी जगह होगा। अगर यहाँ पर सही से फसल उग जाएगा तो मुंगेर जिला मूंग उपजाऊ में नंबर वन हो जाएगा। यार अगर इतना बड़ा प्लॉट में फसल एक बार मूंग तोड़ लेगा तो पूरा मक्का जंडा गेहूं जो है ना, ये सब फैल है उसके सामने में। बारिश हो जाता समय पर तो पूरा ये जो जमीन खाली देख रहे हैं ना, खाली देखने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ ऐसा पौधा मिलता। किसानों ने एक साथ दो तरह के खेती किया है। देखिए भगवान के भरोसे भिंडी भी बाग किया है, लेकिन रब राजी नहीं तो कोई राजी नहीं, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, क्या करेगा। अगर इतना बड़ा प्लॉट में पानी की व्यवस्था होता, नहर छोटा मोटा नदी नहर का सुविधा रहता तो इसमें इतना फसल होता, इतना फसल होता, पूरा बिहार में मुंगेर एक नंबर स्थान आ जाएगा दाल के लिए। ये जो फसल देख रहे हैं इसमें मसूर को अलगा करके मूंग बाग किया है। ना जाने बरियारपुर कल्याणपुर घोरघट के बीच कितना किसानों का खेत इस तरह मूंग का खेत बर्बाद हो रहा है, पानी के वजह से सूखा पड़ रहा है। इस किसानों को मूंग बाग करने में जितना खर्चा हुआ होगा ना, उसका 1% पूंजी ऊपर होने वाला नहीं है। कितने किसानों उम्मीद लेकर के फसलें बाग किए, फसल नहीं उगा है, बारिश की वजह से ये फसल सूख गया है, पानी की वजह से एकदम छोटा छोटा है। देखिए इतना बड़ा पौधा है, इतना बड़ा है, क्या होगा। किसान ऐसे बर्बाद होता है, पूंजी लगाता है कितना होता है, कितना होता है तो सबको दिखाई देता है कि यह हुआ हुआ हुआ। जो बाग करता है ना वो समझता है कि फसल कैसे होता है, अपना भूखा रह करके दूसरे को खिलाना पड़ता है।